नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर पूरे जिले में किसानों ने मनाया काला दिवस। सरकार के पुतले फूंके, काले झंडे लहराए। प्रहलाद व कृष्ण पुनिया ने दिया आंदोलन को समर्थन। अभय चौटाला ने भी घर पर लहराया काला झंडा। दुकानें खोलने को लेकर मोबाइल मार्केट के दुकानदार भिड़े। जिला में कोरोना से 8 की मौत। विधायक जुड़ाराम बोले, बेवजह घरों से बाहर न निकलें। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर राज्यपाल ने लगाई मोहर। आईएमए ने बाबा रामदेव को भेजा 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस। मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव में चलाएंगे सेवा अभियान। संगीत की हर विधा जानती है रजनीश अनिल शर्मा की जोड़ी। और अब समाचार विस्तार से। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के आज 6 माह पूरे होने पर किसान संगठनों ने आज जिला भर में काला दिवस मनाया। जगह जगह सरकार के पुतले फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। फतेहाबाद के लालबत्ती चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा फतेहाबाद के आह्वान पर किसानों में मजदूरों ने आज फतेहाबाद में काला दिवस मनाया व केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता कल्याण सिंह ने की। मुख्य वक्ता राम कुमार बैवलपुरिया ने मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में लागू की गई जन विरोधी नीतियों की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि इन 7 सालों में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है और रही सही कसर कृषि के 3 काले कानूनों और मजदूरों के 4 लेबर कोड्स ने पूरी कर दी है। शहर फतेहाबाद के अलावा आसपास के गांव बोड़िया खेड़ा, बूथन कला, दरियापुर, बिगड़, डाणी स्तर, एरवा गांव, रत्ता थे, जाखल के बिजली घर के सामने, टोहाना में भी किसानों व मजदूरों ने काला दिवस मनाया और सरकार के पुतले जलाते हुए काले झंडे लेकर जुलूस मार्च निकाले। किसानों ने इन अनेक जगह अपने अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाकर विरोध दिवस मनाया। आज सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और हमारे 6 महीने किसान आंदोलन का 180 दिन जो है दिल्ली के बॉर्डर पर चल बैठे हुए और उसका हमारे देश के पूरे देश के अंदर हमारे से कहा है पूरे देश के अंदर काले झंडे जलाए गए और काला दिन मनाया जाएगा। हमारे 180 दिन पूरे हो गए किसानों के, 450 किसानों ने साथे दे दी है दिल्ली के बॉर्डर पर। उसके बाद में भी मोदी सरकार के काम पर जू तक नहीं रेंग रही है, लेकिन हमारे हौसले में भी कोई कमी नहीं है और हमारा हौसला बिल्कुल कायम है। जब तक हमारा कानून वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन वैसे दिल्ली के बॉर्डरों पर चलता रहेगा, हर शहर के अंदर ये आंदोलन चलता रहेगा। हम इस आंदोलन को कम नहीं होने देंगे। कल आपने देखा 24 तारीख को और 16 तारीख को जो शहर के अंदर घटना घटी, उसके बाद में 24 तारीख को खट्टर सरकार के गुट ने हिसार के अंदर रगड़वाए दिए और किस तरह खट्टर ने नाक रगड़ाई है, इसी तरह हम दिल्ली के बॉर्डर में नाक रगड़ाएंगे। दिल्ली में मोदी नाक रगड़ेगा और बोलेगा हमसे गलती हुई है, ये कानून लाके हमने गलत काम किया है, हम ये कानून वापिस लेंगे। किसानों को अगर ये मोदी अगर अपने जबान से कहेगा कि हम कानून वापस लेते हैं उसके बाद में किसान के जवाब देंगे। रतिया में किसानों द्वारा नाली मोहल्ला में इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष निर्भय ने की। वहीं किसानों के आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक नेता भी सामने आए हैं। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर काला झंडा लहराया तथा कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसानों के काला दिवस का समर्थन किया। महिला कांग्रेस की जिला प्रधान कृष्णा पुनिया ने केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापिस लेने और किसानों से पुनः बातचीत आरंभ करने की मांग की। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर वह किसान आंदोलन के समर्थन में आज यहां नारेबाजी व रोष प्रदर्शन कर महाप्रबंधक के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। सरसा में भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास के बाहर आज दिनभर तनाव की स्थिति रही। किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ डाले और दिनभर पुलिस कर्मियों और किसानों की झड़प में होती रही। आज हरियाणा किसान यूनियन रतिया द्वारा भी सरकार की शव यात्रा निकालकर भाजपा दफ्तर के सामने पुतला दहन किया गया। टूल कनेक्शन लगवाने की मांग को लेकर बिजली घर के सामने किसानों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। जो पुतला दहन है, ये हरियाणा किसान यूनियन द्वारा युक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान है पूरे भारत में, जो आज पूरे 6 महीने हुए किसान आंदोलन को और जो बीजेपी की सत्ता है उसको 7 साल हो चुके हैं, उसकी नाकामी है
जो किसान विरोधी जो हर दिन काला कानून और किसान विरोधी जो नीतियां हैं इनके खिलाफ मोदी जी का मोदी सरकार का आज पुतला दहन किया गया है। और यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम पिछले दो दिन से रतिया के बिजली घर में धरना लगा कर बैठे हैं। हमारे रतिया इलाके में जो ट्यूबवेल कनेक्शन है लगभग 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, अब तक हमको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिला। हर किसान ने किसी ने 2 लाख किसी ने 2.5 लाख रुपया जमा करवाया हुआ है, उसका हर साल ब्याज पड़ रहा है और जब तक हमको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेंगे ये धरना जारी रहेगा। आने वाली 28 तारीख को हम हिसार में चीफ को मिलेंगे। अगर हमारा मसला हल नहीं होता, कनेक्शन नहीं मिलते, तो हम बिजली मंत्री का घेराव करेंगे। मोबाइल मार्केट में लेफ्ट राइट के हिसाब से खुलने वाली दुकानों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। दुकानदारों में आज इसको लेकर विवाद पैदा हो गया और जो बाद में झगड़े में बदल गया। दुकानदारों में विवाद इस बात का था कि लेफ्ट साइड किसकी है और राइट साइड किसकी है। विवाद बढ़ा तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुकानदारों को समझाने का प्रयास किया लेकिन दुकानदार बहस करते रहे। इसके बाद पुलिस ने दुकानों को बंद करवा दिया और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। बाद में नगर परिषद के ईओ ने एक पत्र जारी किया। पत्र के मुताबिक अब मोबाइल मार्केट की दुकानें सोमवार बुधवार और शुक्रवार को बंद रहेंगी तथा मंगलवार वीरवार व शनिवार को सभी दुकानें खुला करेंगी। सरकार द्वारा कुछ दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खुले होने की छूट देने के बावजूद आज भी नगर परिषद के अधिकारियों ने किराना आदि की दुकानों को दोपहर 12 बजे ही बंद करवा दिया। हालांकि उपायुक्त स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन दुकानों को पहले से छूट मिली हुई है वह उसी प्रकार से खुली रहेंगी, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों ने इन आदेशों को धत्ता बताते हुए सारी दुकानें 12 बजे ही बंद करवा दी। हालांकि जवाहर चौक का शराब ठेका 2 बजे तक खुला रहा। न तो किसी पुलिस कर्मचारी की और न ही नगर परिषद के किसी अधिकारी की हिम्मत हुई कि वह ठेके को बंद करवा सकता। जिला में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। जिला में कोरोना संक्रमण से आज फिर 137 नए लोग संक्रमित हो गए और वहीं 8 लोगों की मौत हो गई। कल जब 2 लोगों की मात्र मौत हुई थी और आंकड़ा 2.5 पर सिमट गया था तो ऐसा लगा था कि शायद कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन आज फिर से 137 लोग संक्रमित हो गए और 8 लोगों की जान चली गई। इन लोगों में गांव अंदाछोई के 43 वर्षीय युवक, रतिया की 85 वर्षीय महिला, मुंशीवाला के 66 वर्षीय महिला, पूना की 37 वर्षीय महिला, फतेहाबाद का 48 वर्षीय युवक, जानवाला पगड़ का 70 वर्षीय बुजुर्ग, रतिया की 80 वर्षीय महिला व भट्टू की 73 वर्षीय महिला शामिल हैं। वहीं विधायक दुड़ाराम ने आमजन से आग्रह किया है कि अगर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो बेवजह घरों से बाहर न निकले, समूह बनाकर एक जगह खड़े ना हो, बाहर निकलते समय मास्क लगाएं। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 बिल पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। अब यह कानून हरियाणा में लागू हो गया है और यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो लोग आंदोलन की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल पर हस्ताक्षर होने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। महामहिम राज्यपाल जी के क्षति वसूली विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद और ये कानून वजूद में आ गया है। कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा इस कानून के तहत उसकी भरपाई उसी से कर पाई जाएगी। इसके लिए बकायदा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे और ट्रिब्यूनल अपना फैसला देगा और उस फैसले के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भारत विकास परिषद द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 27 मई को श्री शोभराज वत्रा धर्मशाला में वैक्सीनेशन कैंप लगवाया जाएगा। जिन लोगों की आयु 45 साल से अधिक है और जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वह इस शिविर में आकर पहली डोज लगवा सकते हैं। यह जानकारी शाखा अध्यक्ष गगनदीप गिरधर ने दी। गाँव सुलीखेड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से 25 साल के एक युवक की मौत हो गई। मृतक में शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने उस शव को शिनाख्त के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी को लेकर 25 सवाल जारी किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। आईएमए ने कहा कि हम बाबा के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले बाबा अपनी योग्यता तो बताएं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगते
तो उनके खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी व फतेहाबाद जिला के प्रभारी जगदीश चोपड़ा ने आज यहां जिला भाजपा की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने की। बैठक में तय किया गया कि केंद्र की मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ता 27 से 30 मई तक जिला स्तर पर 2-2 गांव में मास्क, सैनिटाइजर व कोरोना महामारी से बचाव के लिए इश्तेहार वितरित करेंगे तथा रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा ने दी। प्रोफेसर कॉलोनी से कल सुबह घड़ी ठीक करवाने के लिए एक बाजार आया युवक सुजल गुप्ता, जिसकी उम्र 21 साल है, पुत्र रविंद्र गुप्ता लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इस मामले में पुलिस ने आज उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की है। अगर बात गायन की हो और गायन में भी क्लासिक, कवाली, गजल, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थान गीतों की बात हो, तो इतनी सारी कलाएं यदि किसी युगल में है तो वह है सिर्फ और सिर्फ अनिल रजनीश शर्मा की जोड़ी। इस दंपत्ति का गायन में कोई मुकाबला नजर नहीं आता। इनकी प्रतिभाओं का हर व्यक्ति कायल है। दोनों साथ साथ गा रहे थे, पता ही नहीं चला कि कब दोनों में प्यार हो गया और यह प्यार कब वैवाहिक गठबंधन में बदल गया। और अब यह जोड़ी पूरी दुनिया में छाई हुई है। इनकी आवाज में जो खनक व जादू है, उसका हर व्यक्ति मुरीद है। अन्य प्रदेशों में इनके शो होते हैं। होनहार विरवान के हो चिकने पात की कहावत तो आपने सुनी होगी, वो इस परिवार पर भी लागू होती है। इनके सुपुत्र स्वर जी भी कम नहीं है। छोटी उम्र में ही गजल गायकी से सबका मन मोह रहे हैं। गीत संगीत से भरपूर इस परिवार से हमारी रिपोर्टर स्वाति गौतम व विनोद सैन ने बात की। मैम आप कुछ बताइए अपने बारे में। स्ट्रीट मेल कोई परिचय का मोहताज नहीं है। बाकी आप सबका प्यार है ये कि आज आपने इस लायक इस दंपति को समझा तो आपके रूबरू हुए हैं। जो आप सवाल करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे अपने मन की बात आप तक पहुँचाएं। तो सबसे पहले तो सर मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ ना कुछ पहले सबसे पहले क्योंकि हम गायकी को लेके आए हैं तो सबसे पहले आप एक छोटी सी जी एक डुएट गाना सुनाते हैं। हम आपको मिल गए गुरिये मैं जाना परदेस गुरिये जनवे मैं जाना तेरे नाल गुरिये मैं जाना परदेस जावे परदेसिया मैं तेरे नाल लाया मैं भूल गई मैं रुड़ गईया मैं होया मजबूर ने जदों दा तैथों दूर ने वसना चले यादा हुण तेरियां है जावे पर बहुत बहुत जबरदस्त गाया। मतलब सुन के मैंने मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं लाइव कभी सुनूं आपको। मैंने म्यूजिक तो बहुत सुनिया है, सॉन्ग्स आपके चलते ही रहते हैं, बट एक लाइव सुनने का मौका मुझे भी मिला। तो चलिए कुछ बातें करते हैं मैम से कि आपने मैम शुरुआत कब से की। कॉलेज टाइम यहाँ पे फतेहाबाद में एक ही कॉलेज हुआ करता बहुत फेमस MMPG कॉलेज, जो आज मेरे ख्याल से म्यूजिक लाइन में पूरे हरियाणा में किसी परिचय का मोहताज नहीं। वहीं से स्टडी किया, जब सब सीनियर थे मैं इनकी जूनियर थी। आज के लिए बस इतना ही। निरंतर स्ट्रीटमैन टीवी के साथ बने रहे। स्ट्रीटमैन टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना व फेसबुक पर जाकर स्ट्रीटमैन टीवी को लाइक करना मत भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।